हेलो गाइस, वेलकम टू द पुनीत फिटनेस मोटिवेशन। मैं आपको बताने वाला हूँ बाइसेप की एक्सरसाइजेस। कई लोग हैं जो एक्सरसाइज तो परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन उनका बाइसेप ग्रो नहीं हो पाता। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी गलती आप लोग करते हो, जिसको ठीक करके मिस्टेक को ठीक करके आप उसको अपने बाइसेप को ग्रो कर सकते हो। तो हमारी पहली एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है बारबेल पर। अब कई लोग क्या करते हैं, शोल्डर की ग्रिप, आपको ग्रिप ना तो इतनी रखनी ना वाइट रखनी, ग्रिप आपकी एकदम शोल्डर की ग्रिप तक जाएगी। वो जो आपकी एल्बो है वो एल्बो को आप यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल स्लो स्लो डाउन, बिल्कुल ही साइड की परफॉर्मेंस करेंगे ताकि जितने भी अटेंशन हो तो आपके बाइसेप्स पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एल्बो है वो इस वेस्ट लाइन पे होनी चाहिए, ना तो आगे ना पीछे, सीधा वेस्ट लाइन, तभी सारा टेंशन आपके बाइसेप पे पड़ेगा। आइए आपको सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसकी मेन गलती क्या होती है, कई लोग इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, ऐसे ये नहीं करना है आपको, जर्क नहीं देना, ठीक है। बिल्कुल स्लाइड को जो आपकी एल्बो है वो आपके नीज के और एकदम आपको जो शोल्डर है बिल्कुल 90 डिग्री पैरेलल होना चाहिए। फिर आपको डंबल उठाना है और पूरा रेंज ऑफ मोशन से ऊपर उठाना है, बिल्कुल साइड में। इसमें सिर्फ आपके असिस्टेंट काम करेंगे, कोई बॉडी काम नहीं करेगी। आपके असिस्टेंट क्या क्या होंगे, फोरआर्म्स, ठीक है, जो आपका असिस्टेंट है और आपके शोल्डर। इस पर वेट नहीं डालना है, बिल्कुल सीधा रखना है एकदम शोल्डर को ताकि किसी भी तरीके की आपको इंजरी ना आए और बिल्कुल सीधा लेके ऊपर आ जाए। ये बहुत इफेक्टिव है गाइस। तो थर्ड एक्सरसाइज है वो है हमारी हैमर ग्रिप। अब देखिए अब क्या होता है, अब मैंने डंबल ऐसे पकड़ा, फिर वो क्या करते हैं इसको ऐसे लेके आते हैं अंदर, कोई बाहर कर रहा है, उससे क्या होगा गाइस, कोई भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करनी है तो हमें उसको बेसिक स्ट्रक्चर पे लेके जाना है, ना तो उसको टेढ़ा करना है ना मेढ़ा करना है। फिर उससे क्या होगा, जो हमारे शोल्डर है हमें अपने शोल्डरों पर एकदम स्ट्रेट रखना है ताकि इनसे कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इनपे इंजरी हो गई तो कोई भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा बेस है, क्योंकि बेस हो गया कि हमारे कोर बेस हो गई, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ अब इसको कैसे परफॉर्मेंस करना है। कहीं भी डंबल पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, आपको आगे लेके आना है सेम बेस पे और स्लाइडली ऊपर लेके आना है। शोल्डर को एकदम फ्री कर देना है और सारा टेंशन बाइसेप पे डाल दो। इसका भी वही सेम चीज है, मेन ये जो बेस है वहीं पे एल्बो रहेगी, ना एल्बो को आगे लेके जाना है ना पीछे, नहीं तो आपका बाइसेप पे तो नहीं आएगा, शोल्डर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो ठीक नहीं है। ओके गाइस, ये थ्री मिस्टेक्स थी जो ज़्यादातर लोग जिम में करते हैं, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक ठीक करनी है ताकि आपका जो बाइसेप है ज़्यादा ग्रो हो, इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा, ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा जिसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।